हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज की वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च 17,600 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए दोस्तों, वो जो भी कमाता होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%। वो जो भी कमाता है वो अपने आप में क्या है, 100%। चाहे वो 10,000 कमाए, 12,000 कमाए, कितना भी कमाए, वो अपने आप में 100% कमा रहा है। अब उसने 100% कमाया और 100% से क्या कर रहा है, वो 12% की बचत कर रहा है। भाई 100% में क्या किया, 12% की उसने बचत कर ली। अब 100% में से 12% की बचत कर ली तो इसका मतलब खर्च उसने कितना कर दिया, खर्च कर दिया उसने 88% खर्च कर दिया। ये बात आपको अच्छे से पता है, 100% में से 12% बचाया तो इसका मतलब 88% उसने खर्च कर दिया। अब कह रहा है कि उसका मासिक खर्च 17,600 रुपये है, प्रतिशत में खर्च 88% है और रुपए में खर्च 17,600 है, तो 17,600 क्या है इसका, रुपए में खर्च और परसेंट में खर्च 88%, तो ये क्या है, बराबर हो गया। पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय का मतलब महीने की आय पूछ रहा है उसकी कितनी है। आसानी से बता देंगे आप, कैसे बताना, 17,600 में 88 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना। 100% का मान क्यों निकालना है, क्योंकि उसकी जो आय है वो 100% है और हमें क्या करना है, उसकी आय ही निकालनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए, 88 से दो बार में कट जाएगा 176, 88 दुने का 176 होता है और दो जीरो है तो यहां पर दो जीरो आ जाएंगे। दो का मल्टीपल एक से हो जाएगा तो दो ही रहेगा, 10, 20, 30, 40 कितना आगे भैया, 40। 40 का मतलब 20,000। ये क्या हो गया, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया, 20,000। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बात क्लियर हुई, उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। 88% उसका परसेंट में खर्च है और रुपए में खर्च 17,600 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हमें 100% का मान निकालना है तो 176 में 88 डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने 100 से गुना कर देंगे, बस खत्म। प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य। भाई जो भी मूल्य होगा उसका अपने आप में 100% होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, 100% होगा। 100% में क्या क्या, उसने 8% की कटौती कर दी। कितनी कटौती कर दी भाई, 8% की कटौती। कटौती का मतलब क्या होता है, कमी होता है, कमी 8% की उसने कमी कर दी। अब 100% में से 8% कम कर दिए तो इसका मतलब बचे कितने भाई, 92%, 92% बचा। यहां पर कितना बचा भाई, 92% बचा, और यहां पर इसका मूल्य कितना बचा, 4,600 रुपये बचा। तो 92% बराबर कितने के हो जाएगा भैया, 4,600 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई यहां पर 8% की जब कमी कर दी तो 92% बचा और रुपए में इसका मूल्य 4,600 बचा, तो 92% बराबर 4,600। आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य मतलब 100% का मान, तो क्या करेंगे, 4,600 में 92 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40 एकम 46 कटेगा, 46 दुने का 92, और ये दो जीरो है तो इसका मतलब 100 बार में कटा। ठीक है, 2 से 100 कटेगा 50 बार में और 50 कमल पे 100 से कर दो, 5 का गुना 1 से करूंगा 5 रहेगा, 10, 20, 30 लग जाएंगे। गुना जब करते हैं तो उसमें जितने भी जीरो आते हैं सब ऐड हो जाते हैं, सब प्लस कर दिए जाते हैं जितने भी जीरो होते हैं गुना में। ठीक है, तो 5,000। तो अंकित मूल्य क्या है इस प्रश्न का, 5,000 है और 5,000 पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, आरआरबी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रारंभ में जो भी उसके पास सेब रहे होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, चाहे 1,000, चाहे 800, चाहे 600, चाहे 1,200, कितने भी सेब हों वो अपने आप में 100%। कह रहा है कि इस 100% में से क्या किया, उसने 40% सेब बेच दिए। भैया उसने 100% में से 40% बेच दिए, जब 40% बेच दिए तो फिर बचे कितने, 60% बचे। 100 में से 40% बेच दिए तो 60% बचे।
यहां पर कह रहा है कि 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 से बचे हैं। भाई 40% बेच दिए तो बचे कितने हैं, प्रतिशत में 60%, और यहां पर कितने बचे हैं, 420 बचे हैं, कितने, 420। तो 60% बराबर 420 की हो जाएगा। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में उसके पास 100% थे। जब 60% बराबर 420 तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से तो 0 गया, 6 सत्ते 42 गया, और 7 का मल पे 100 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 700। ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 700 कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में। दोस्तों कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रश्न ऐसा रह जाएगा जो आपकी समझ में ना आए। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे गए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी आपका 2016 में पूछा गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, तो कोई भी दो संख्या ले लो, मैं पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी ले लेता हूं, ये दो संख्या हो गई, दोनों का अनुपात है 3:1, ठीक। ये आपको दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब एक चीज है कि दोनों का योगफल आपको 72 है, योग कितना दे रखा है आपको, 72। आप अच्छे से जानते हैं कि जब योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग करते हैं, अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का अंतर, गुणनफल दिया जाता है अनुपातों का गुणा करते हैं, ठीक है। अब योग दे रखा है तो अनुपातों का योग करूंगा, तो 3 और 1 4, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 एक कम 4, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 18 बार में ये गया। अब 18 का गुना मैं 1 से करूंगा 18, और 18 का गुना मैं 3 से करूंगा, 18 का गुना 3 से कटाऊंगा, कितना हो जाएगा, 18 दुने का 36, 18 तिरिक का 54, भैया 54 हो गया। पहली संख्या मेरी 54 है और दूसरी संख्या मेरी 18 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 72 ही मिल जाएगा। मुझसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करना, अंतर कर लो भाई, 54 में से 18 घटा दो कितना बचेगा, 36 ही तो बचेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, 36, ये दे रखा है आपको बी ऑप्शन। आसानी से प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। यह भी दोस्तों आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 35, ठीक है। समांतर माध्य मुझे दे रखा है दो संख्याओं का 35। अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में क्या करें, 2 जोड़ दें, तो इसका मतलब जो समांतर माध्य हमारा उसी में हमें क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो 35 में 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 37। कुछ भी नहीं करना, कोई दिमाग मत लगाइए, कोई फॉर्मूला ट्रिक मत लगाइए, सादा सादा बता रहा हूं कि जब आपके पास समांतर माध्य दे रखा है तो अगर जोड़ने के लिए जब कह दिया तो उसी में जोड़ दो समांतर माध्य में, अगर घटाने के लिए कह दे, जैसे आपके पास समांतर माध्य क्या है, 35 है, और आपसे कह देता इसमें जोड़ने के बजाय कि 2 घटा दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, अगर घटाने के लिए कह दिया जाए तो जो आपके पास समांतर माध्य है उसी में से घटा देंगे आप 2, ठीक है। तो 35 में से 2 घटा दूंगा तो 33 आंसर हो जाएगा, घटाने की अगर बात करेगा तो, और जोड़ने की बात कर रहा है तो 37 आंसर हो रहा है। जो आपको करना है वो समांतर माध्य में ही जोड़ देना है, और घटाने की बात कहे तो समांतर माध्य में से ही घटा देना है। बात क्लियर हो गई, आज के बाद इस प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा उसके लिए आपको दोस्तों कमेंट करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई, आपको कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो पसंद आया तो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।